गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कल की वीडियो का ही आगे का पार्ट है। दोपहर तक मैंने वो वीडियो ख़त्म कर दिया था और उसके आगे का जो भी है आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लेट गई थोड़ी देर, जैसे रेस्ट करने के लिए ना थोड़ी देर लेटी, जैसे ही वैसे ही मुझे आँख लग गई। और क्या होता है ना, जब सुबह थोड़ा जल्दी उठो ना तो दोपहर को अपने आप ही बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो लेटे लेटे मैं सो गई, एक घंटे सोई मैं, फिर उठी। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया, फिर खाना वाना बनाया, राइस बनाने थे बस, सब्जी और दाल रखा हुआ था सुबह का, तो राइस बनाया, खाया पिया। और उसके बाद फिर मैं अपने जो दोपहर वाले काम होते हैं ना उनमें लग गई थी। डिश वॉशर मैं दोपहर के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह तक ना उतने बर्तन इकट्ठे नहीं होते कि मेरा डिश वॉशर भर जाए। तो दोपहर तक लंच वंच करने के बाद फिर इतने बर्तन हो जाते हैं कि उससे डिश वॉशर मेरा भर जाता है। तो डिश वॉशर लगाया, एक लॉट मैंने कपड़ों का डाला है और फिर ऐसे छोटे मोटे काम कर रही थी घर में। खाना पीना खाया मैंने और अभी 4 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना फ्रिज जो है ना ऊपर से उसको ढक देती हूँ, क्योंकि जो छोटा वाला फ्रिज था तो वो मैं एक सेकेंड छोटा वाला फ्रिज था ना तो उसके ऊपर मैं ये वाली मैट, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, ये वाली मैट उसके ऊपर डाल देती थी। ये इसके ऊपर भी डालूंगी, बट इसके ऊपर भी एक मैंने कवर मंगवाया है वो डालूंगी, और मैचिंग कवर मैंने अपने OTG के लिए भी मंगवाया है। तो ये सारे आज मैंने सुबह ना नहाने से पहले सारे पैकेज खोले, 2-3 दिन से आके रखे हुए थे, तो ये पैकेज खोले तो सेम दोनों ना एक ही जैसे हैं। ये भी कॉटन का, ये भी कॉटन का है। तो ये माइक्रोवेव कवर है, पता नहीं इस पर कितना आएगा, पर इतना चौड़ा है, आ ही जाना चाहिए। और साइड में इसमें पॉकेट दिया हुआ है, इसमें भी पॉकेट है, तो ये सब मैं लगाने जा रही थी। बाकी एक दो चीज़ें मैंने यहाँ के लिए मंगाई हैं, ये देखो एक सिद्धार्थ ना यहाँ लगा के चला गया है, तो ये देखो आपको अगर इतने पास से दिखाऊंगी तो आपको लगेगा ये समोसा है। ऐसे देखो, ये फ्रिज मैग्नेट है जिसमें रेड चटनी, ग्रीन चटनी और 2 समोसे। मुझे बड़ा क्यूट लगा था, इतना छोटा मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा थोड़ा बड़ा होगा। तो सिद्धार्थ ऑलरेडी यहाँ लगा के चला गया है, तो बस इसको मैं ऊपर से एक बार थोड़ा सा चेयर लेके आती हूँ, थोड़ा सा वाइप कर दूँ, क्योंकि डस्ट जरूर आ गई होगी, ऊपर मैंने कुछ डाला नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर ये कवर वगैरह मैं लगा के फिट कर देती हूँ इसको। मैंने फ्रिज मैग्नेट मंगाया है, जैसे हम लोग ग्रॉसरी वगैरह एकदम से जब आप किचन में हो तो ध्यान आता है कि ये चीज़ मंगवानी है, और फिर थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो, और इवन आप जब अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर कर रहे हो तो तब तक भी याद नहीं आता अगर आप कहीं लिख के ना रखो। तो इसके लिए मैंने ये फ्रिज मैग्नेट मंगवाए हैं, और मैंने 2 मंगवा लिए। 2 इसलिए मंगवा लिए क्योंकि ये वाला जो है ना, इसके साथ में ये पेन दिखा रहा था कि ये मैग्नेट वाला पेन है इसके साथ में, और इसके साथ में ये पेंसिल दिखाई नहीं रहा था, इसके साथ आई है लेकिन दिखा नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि दोनों ऑर्डर कर लेती हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा डायरी ये यूज़ कर लूँगी और पेन इसका यूज़ कर लूँगी। लेकिन जब ये दोनों डिलीवर हुए तो इसके साथ भी पेंसिल आया है, ये मैग्नेटिक पेंसिल है। तो पेन पेंसिल जो भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों मैं यहाँ लगा दूँगी। फिलहाल मैं डायरी ये वाली यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी थिक डायरी है ये, देखो काफ़ी मोटी है, बहुत टाइम चलेगी, और अच्छा बड़ा सा मैग्नेट भी है इसके पीछे। इसे मैं रख देती हूँ इसी की पॉकेट में यहाँ पे, ये बाद में काम आएगा। ये मैंने ना एंटी स्लिप मैट मंगवाया है ये फ्रिज के अंदर के लिए, क्योंकि जो ग्लास है ना, शेल्फ है जो उसके अंदर ग्लास वाले, उस पर ना जब आप बर्तन रखते हो निकालते हो तो ना स्क्रैचेस वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं, और ऊपर से अगर ये रहेगा ना तो फिर साफ रहेगा थोड़ा फ्रिज। तो ये मैंने पूरा बंडल एक मंगवाया है, ऐसे ही आते ही है, वाइट में मंगवाया ताकि ट्रांसपेरेंट दिखता रहे, और जो बचेगा फिर मैं अपने, मैंने कहा था ना मुझे अपने कबर्ड्स के लिए अंदर रखने के लिए चाहिए, तो उसमें भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो बहुत बड़ा सा है, 5 मीटर का है, ठीक है। ये तो मैं बाद में करूँगी क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा फ्रिज खाली करना होगा, तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी मैं इसको रख दूँगी। चलो ये वाला कवर भी लगा देते हैं।
तो अच्छा लग रहा है ना, एक जैसा कवर हो गया इसका भी और इसका भी, तो अच्छा लग रहा है। और क्या, हाँ ये दिखाती हूँ मैं, ये मैग्नेट हो गए और ये छोटे छोटे सिद्धार्थ ने पहले ओल्ड फ्रिज पे भी लगाए हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और इनका क्या यूज़ होगा। और चलिए अब यहाँ का तो हो गया, और डाइनिंग टेबल के लिए भी मैंने मंगाया था, मैंने बोला था ना मुझे एकदम मैचिंग के नहीं मिल रहे कि कर्टन वगैरह से मैच करें टेबल मैट, डाइनिंग टेबल के जो मैट्स वगैरह होते हैं, तो ये मैंने मंगाया, अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा कैसा ये, देखते हैं और फिर मैं आज डाइनिंग टेबल को भी ठीक कर देती हूँ। सबसे पहले आपको मिल जाएगी, आपको पता है मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। हाँ मुझे पता है तुम्हें मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। और ये देखिए ये मेरे कर्टन से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें एक रनर था जो कि है या नहीं है, है मुझे लगा नहीं है। पता नहीं ये कैसा लग रहा है, मैंने रनर को जो है वो साइड में रखा है, बीच में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था और अब मुझे ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब मैं पता नहीं सर क्या करूँगी, फिर से सेंटर में करूँ क्या, या फिर ये जो मैट्स है ना इनको सिर्फ हम खाना खाते टाइम ही यूज़ करें, बाकी इनको रोल करके मैं रख दूँ, ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे रोल करके और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। और ये यहाँ नहीं रहेगा, बट अभी अच्छा लग रहा है तो मैंने रखा हुआ है इसको, इसको मैं हटाऊंगी। सही लग रहा है, बताना मुझे कि मैट्स को लगा के रखूँ या हटाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए तो मैंने हटा दिया है। फ्रिज देखा तुमने, देखो मैंने फ्रिज पे क्या लगाया है, समोसा ना, समोसा तो तुमने ही लगा दिया था, देखो तो सही कैसा लग रहा है। अरे वाह, आपने कुछ नोटिस नहीं किया क्या? इधर आओ, नोटिस करो कि क्या अलग है किचन में, जो अभी तक नहीं था और अभी एकदम से आ गया, एकदम से आ गया, अभी तक नहीं था। ए भगवान, आप क्या करें, तो बकरी की जगह भैंस रख दो तब भी नहीं समझ पाओगे। बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म, मैं बताई तो प्लेटफॉर्म क्या, देखो पूरा किचन है, छोटे इतने सारे सामान है, वेगेट सामान, अच्छा ये समोसा और चटनी, कितना क्यूट है ना ये, एकदम समोसा लग रहा है। और ये पेन पेंसिल भी इसी का है क्या? हाँ ये मैग्नेट होगा ना, अच्छा बड़ा स्टाइलिश है। और आज बहुत ही डिलीशियस सा डिनर बनने वाला है, चाइनीज़ बनने वाला है, चाइनीज़ ऐसे ही सबको बहुत पसंद आता है। और इस बार जब सब्जियों की शॉपिंग हुई थी तो ये गोभी हस्बैंड लेके आए थे गोभी मंचूरियन बनाने के लिए, तो ऑलरेडी दो दिन हो चुके हैं आए हुए, तो मैंने सोचा चलो इसका मंचूरियन बना देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीले के अंदर पानी रखा था और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और गोभी को उबाल लिया है। गोभी बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी होती है, एक से डेढ़ मिनट इनफ होता है, उतना ही आप इसको उबालिए। जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद एक से डेढ़ मिनट ही आपको उबालना है, उसके बाद उसको छान करके रख दीजिए साइड में जब तक उसका सारा पानी नहीं निकल जाता। तो गोभी थोड़ा सा ठंडा होगा क्योंकि ठंडा होना ज़रूरी है और उसका पानी एकदम
एक एक बूंद जब तक नहीं निथर जाता मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। और तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि मंचूरियन के साथ या तो आप नूडल्स बनाइए और या तो फ्राइड राइस बनाइए, तो फ्राइड राइस बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। कम से कम राइस होता है, नूडल्स में तो फिर पूरा मैदा मैदा हो जाता है। और जो मैंने होल व्हीट नूडल्स मंगवाए थे ना, वो ख़त्म हो चुके हैं, बट बहुत अच्छे निकले। मैं ज़रूर उसका लिंक और दोबारा जब मंगवाऊंगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, जब मैं उनको दोबारा ऑर्डर करूंगी ना तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिखा भी दूंगी आपको। वो नूडल्स मुझे पसंद आए बिकॉज बनने में भी बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चों को भी टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने जो होल व्हीट पास्ता मंगाया था उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट करते हैं। पास्ता जैसा ना कुछ लग ही नहीं रहा था उसमें, तो वो तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी रह गया। लेकिन हाँ, नूडल्स बहुत अच्छे बने थे, मतलब खाने में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि होल व्हीट नूडल्स हैं। तो उनका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों का तो चलता ही रहता है, उनको नूडल्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं। दूसरा, जो चाइनीज़ लवर होते हैं उनके घर में ऐसे ही कुछ ना कुछ चाइनीज़ बनता रहता है, तो होल व्हीट रहेगा तो एक तसल्ली रहेगी कि हाँ थोड़ा सा मैदा कम पेट में जा रहा है। तो मैं ज़रूर आपके साथ आगे शेयर करूँगी जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ। और यहाँ पे फ्राइड राइस हमारा देखते ही देखते तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप नोटिस करेंगे तो सब्ज़ियाँ मैं बहुत छोटी छोटी डालती हूँ इसके अंदर। यूजुअली क्या होता है कि बड़ी बड़ी सब्ज़ियाँ लंबी लंबी कटी हुई पड़ती हैं, बिकॉज सिद्धार्थ सब्ज़ियाँ बिल्कुल छांट करके अलग कर देता है अगर मैं उस साइज़ में सब्ज़ी डालूँ। तो अगर मैं छोटी छोटी करके इस तरीके से डालती हूँ तो वो पूरी की पूरी सब्ज़ी खा लेता है और कभी नहीं छाँटता है। इसीलिए ढेर सारा गाजर, प्याज, बीन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और शिमला मिर्च, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और सॉस बहुत ही कम डाला है मैंने इस बार, मतलब बिल्कुल मैं कहूँगी 4 या 5 ड्रॉप मैंने सोया सॉस डाला है, जिससे बस हल्का सा टेस्ट आए, उसका कलर चेंज ना हो राइस का। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें केचप डाला है बस। ज़्यादा इसको मैंने मतलब वैसा नहीं बनाया कि बहुत सारे सॉस वगैरह डाल करके, क्योंकि हम मंचूरियन भी बनाने वाले हैं तो उसमें तो सारे सॉस यूज़ ही होंगे। तो ये जो फ्राइड राइस हैं ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्राइड राइस हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम खिले खिले अच्छे से फ्राइड राइस बन गए हैं। राइस मैंने पहले ही 1 घंटा पहले बना के रख दिए थे ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं, तो ये मैंने परोस दिए हैं। और कितने यमी लग रहे हैं ना, और इतनी ही सारी वेजिटेबल्स जब रहती है ना तो फिर रिग्रेट फील नहीं होता है। जब बच्चे खाते हैं तो लगता है हाँ कुछ वेजेस जो है उनके पेट में जा ही रही हैं। वो भी जो हमारी है ना वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, ठंडी हो जाने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है। तो यहाँ पे जो बैटर है वो मैं तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। और इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप कूट करके, फ्रेशली कूटा हुआ ब्लैक पेपर, और साथ ही में 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर रेड चिली का पाउडर डालेंगे। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो 1/2 कप मैदा में 2 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर आप डालिए तो अच्छे क्रिस्पी आपके जो पकौड़े बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पकौड़े ही बोल लेते हैं, जो मंचूरियन के लिए हम गोभी फ्राई करने वाले हैं वो बहुत ही क्रिस्पी अच्छी सी बनके तैयार होंगी। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, लगभग 2-2.5 मिनट तक आपको इसको खूब अच्छे से फेंटना है ताकि एकदम स्मूथ अच्छा सा ये बैटर बनके तैयार हो जाए। जो बैटर है बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि अच्छे से कोटिंग बढ़िया सी आपकी गोभी पे आ जाए और बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग भी ना लगे खाने में। जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं ना, ठीक लगभग वैसा ही बैटर चाहिए। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, जो कि मीडियम हॉट पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम गर्म भी नहीं। अब ये बैटर में इस तरीके से हम गोभी को डिप करेंगे और आप देख सकते हैं इसी तरीके का बैटर जो है वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और एकदम थिन भी नहीं है कि गोभी के ऊपर से बस उतर जाए ये जब आप उसको उठाएं। तो ऐसा ही बैटर आप लेंगे तो एकदम परफेक्ट जो ये पकौड़े हैं ये उतर के आएँगे।
इस तरीके से आपको गोल्डन गोल्डन फ्राई करके ये गोभी को निकाल लेना, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये देखने में। ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्पेशली जो इनका कलर आया ना बहुत कमाल का आया है, और जो मोटा मोटा कुटा हुआ हमने ब्लैक पेपर डाला है ना वो भी इसमें दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे नॉनस्टिक पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर एक से डेढ़ बड़ा चम्मच आपको चॉप किया हुआ गार्लिक, एकदम महीन महीन चॉप किया हुआ गार्लिक लेना है, और साथ में ही दो ग्रीन चिली को भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा जिंजर था वो भी मैंने ऐड किया है, और प्याज ऐड करेंगे उसको 30 सेकंड तक हमें थोड़ा सा पकाना है, और उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, ये भी मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ में काटा हुआ है। जो आज मैं गोभी मंचूरियन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लिक्विड वाला नहीं है, मतलब ग्रेवी वाला नहीं है जिसमें अच्छी खासी ग्रेवी होती है, मैं इसको ड्राई बनाने वाली हूँ क्योंकि वैसा ही कुछ आज खाने का मन था। जैसे यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च थोड़े से भुन गए हैं, अच्छी खुशबू उनकी आने लगी है, और प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटा चम्मच लिया है विनेगर, एक छोटा चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस लिया है, और उसके बाद दो बड़े चम्मच मैंने इसमें केचप लिया है। अब यहाँ पे फिर वही बात है, अगर आप चाहते हैं और तरह के सॉसेस में ऐड करना, जैसे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सेजवान चटनी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसके बाद ये जो गोभी हमने फ्राई करके रखा था इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, और बस इसको आप चला लीजिए। अगर आपको ग्रेवी बनाना है ना, तो जब हमने सारे सॉस डाले थे उसी समय आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के उसके अंदर डालिए, उसको 2 मिनट पकाइए, और फिर आप ये गोभी के जो पकौड़े हैं इनको उसमें ऐड कीजिए, तो वो ग्रेवी वाले हो जाएंगे। सेमी लिक्विड भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड भी बना सकते हैं, और इस तरीके से ड्राई भी बना सकते हैं। ये फ्राइड राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और नूडल्स के साथ भी इस तरीके का मंचूरियन खाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत टेस्टी सा मंचूरियन बहुत अच्छा बना था, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।